चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज फसल काल से जो है लोग जो कटे हुए जाते हैं, मेरे में नहीं खड़े होने देते पुलिस वाले, चलो भगो ये करो फलाना करो, चलान काट के हाथ में। बाईपास निकाल दिए, इनकी बहुत अच्छी सुविधा रही, लेकिन उनका संबंध मजदूरी के पेट के हिसाब से नहीं है जुड़ा हुआ। पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, ना पहले थी ना अभी है, बढ़िया चल रहा है। तो कांटे की टक्कर है, जीत होगी वही 25-30 में ही। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में है और जिला मेरठ की ये बागपत लोकसभा सीट है जहाँ पर आज हम बातचीत करेंगे। और ये जो अड्डा आप देख रहे हैं ये भुनी चौराहे के नाम से यहाँ जाना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं आसपास के उनसे हम बातचीत करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय बन रही है। जी अंकल जी, हाँ जी, बात हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, क्या नाम आपका? नाम तो कैसा नाम है जी? ये जिला मेरठ है और बागपत की सीट पड़ती है लोकसभा। तो 2024 का चुनाव की चर्चा लगातार पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में चल रही है, आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर क्या स्थिति रहेगी इस जिले में? ये तो स्थिति ये तो मतलब जो है जो पब्लिक जाने क्या है क्या नहीं। भाई आप तो वोट करते ही होंगे एक तरह से, भाई किसका जोर है, किस इस बार कौन यहाँ से जीत सकता है, भाजपा से या बाकी दूसरी पार्टियों से? बस इस बात का तो जो जितना भी समय जो नज़दीक आएगा वो उसी तरह बात जो है मतलब सही अभी पता चलेगा, अभी थोड़ा सा टाइम है ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम रतन पाल है। अच्छा जी, क्या लग रहा है 24 के चुनाव को लेकर? देखो भाई जी, हमें तो ज्ञान ही नहीं इस बात में। बाबू जी हमें ज्ञान नहीं इस बात में। भाई फिर भी कुछ ऐसा आप ये क्या करते हो, काम क्या करते हो? बस इसे चला लें। अच्छा, तो आपके लिए कुछ 10 सालों में सरकार हो गई, 10 साल होने वाले हैं, आपके लिए कोई सुविधा, आप जैसे मजदूरों के लिए कोई सुविधा हुई? भैया सुविधा हमें इतनी हो है, जहाँ पुलिस वाले देखे वहीं गांड में रखे दे दे, मेरे में नहीं खड़े होने देते पुलिस वाले, चलो भगो ये करो फलाना करो, चलान काट के हाथ में। अब तो जैसे आप लगा रहे नो खिंचा, जय राम जी की, जाओ जी तारे घर पहुँच जाओ। तो सब ये मोदी के खत्ते में जा रहे हैं और किसके जा रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत काम किया है मजदूरों के लिए। हाँ ये बात जायज है, काम तो बहुत कर रहे बेचारे, पर हम जैसे के लिए तो दिक्कत बने ना, बोलते ना करते बस खिंचा और थारे घर पहुंच जाएगा, जाओ जी। एक नौकरी वाले की बंदी नौकरी आ रही, उसको तो परमानेंट आ रही, चाहे वो 10 दिन ना जाओ, हम जैसा करेगा तो खा लेगा ना तो भुक्का लगा लेगा। ये जो टोल टैक्स लगा तुरंत ही गद मत, जो 7 रुपये जो रोडवेज ने पड़ा जी टोल टैक्स में। हाँ लेकिन जैसे किराया बढ़ रहा है भाई, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही है, आम आदमी को कितनी दिक्कतें होती है ऐसी चीजें अगर होती है? नहीं दिक्कत बनती है मजदूर आदमी को। भैया जी पब्लिक पे ही गिरा है दिक्कत तो। क्या नाम जी? क्या नाम? दिलसाद। दिलसाद भाई क्या लग रहा है 10 सालों में पूरे होने वाले हैं सरकार के, कुछ जनता के लिए कुछ ऐसे काम, कुछ इस तरह की चीजें हुई? हम तो मजदूरों के मामले में जाने हैं जी, मजदूरों के मामले में भूखा सड़ने का नंबर आ रहा, सही तो बात असली है ही। क्या वजह है, क्या लगता है? बस महंगाई के दौर में जितना खर्चा है घर के अंदर उसकी पूर्ति नहीं हो रही, कमाने के हिसाब से जो थोड़ा बहुत कमा में कभी 500 का कभी 1000 का कभी 2000 का चलान काट के हाथ में पकड़ा दें, घर आके फिर उसे भुगत जाओ, इतने दूसरा नंबर आवे फिर दूसरा महीना चढ़ जा, फिर महीना बदलते के साथ ही फिर चलान काट दें, इसी मुंहदेड़ में पूरे मामला हो जाते। तो असर पड़ता है घर पे भी? हाँ असर बच्चों लग भी पड़ रहा है, बाजी दफा सुबह के टाइम में सब्जी पपन की सांझ को नहीं पड़ती, तो ये मजदूरी का ही तो असर है मान लो। खर्चा फालतू हो गया, उससे पहले से खर्चा अब फालतू हो गया, लेकिन कमाई जुगी तू वहीं की मैं 400 रुपये पे। लेकिन कह रहे हैं भाई तरक्की हो रही है, रोड बन रहे हैं, ये सब हो रही है चीज़ भी सही है, रोड पर लगा दिया पैसा, पुलों पर लगा दिया पैसा, इसमें मजदूरों का कोई काम मकसद रह गया? मशीनगिरी ने सब संभाल लिया। लेकिन एक आम आदमी को उस तरह की सुविधा मिल पाई इन 9 सालों में जो होनी चाहिए एक आम आदमी मजदूर के लिए? मजदूरी के मामले में कोई सुविधा हमें नहीं नजर आई, रोड के मामले में, पुलों के मामले में, बाईपास निकाल दिए, इनकी बहुत अच्छी सुविधा रही, लेकिन उनका संबंध मजदूरी के पेट के हिसाब से नहीं है जुड़ा हुआ, वो अलग है, ये अलग है। सांसद जी आते हैं कभी इस एरिया में? नहीं कोई। कभी देखा आपने? नहीं कभी नहीं। सत्यपाल जी सांसद है बागपत से? नहीं कभी नहीं आते।
कभी नहीं आया। अच्छा, सभी इतने खुशामंद कर रहे हैं, हाँ जी बोझ दे दियो, फिर काम निकल गया, जाओ जी अब पड़े रहो तुम कहीं। तो इस बार जनता मौका देगी? हाँ बिल्कुल देंगे, लेकिन आते तो नहीं आप, कह रहे मिलते तो नहीं, जब आते ही नहीं। भाजपा सरकार से जो है लोग जो कटे हुए जाते हैं, भाजपा सरकार से ज़्यादा कटे हुए लोग इस एरिया में। क्या लगता है इस सीट पे, बागपत सीट है ये, क्या रहेगा, किसका आपको लगता है जोर इस बार? कोई होगा, मैं तो कुछ फायदा नहीं किसी। तो आप करते क्या है वैसे? मैं स्टूडेंट। पढ़ाई करते हो? कुछ नौकरियां वगैरह कुछ बैठता है मामला कुछ है? तो 10 सालों में कैसी लगी सरकार? सरकार बढ़िया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो नौकरी की तैयारी भी कर रहे होंगे, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? खेती करनी है। तो खेती में हो जाओगे। यामीन भैया। यामीन भाई, क्या लग रहा इस सीट पे? भैया मेरठ जिला है। हाँ जिला कुछ भी रहे भैया, हम तो देंगे कांग्रेस को वोट। जी भाई साहब। तो पिछली सरकार का काम नहीं अच्छा लगा? नहीं, बढ़िया काम करा, कोई दिक्कत नहीं, पर मौका आपका अखिलेश को से देंगे। अच्छा जी, चैनल सीसी है। तो कुछ जनता के लिए कुछ काम इस तरह के 9-10 साल? नहीं जी, बढ़िया सड़क भी बढ़िया बनाई है, कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में भी सफर भी बढ़िया कट रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस बढ़िया, ये भाजपा भी बढ़िया सरकार है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम बताए? तो कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तो लड़कियों के लिए कुछ कैसी रही सरकार, लड़कियों के लिए अगर देखे आमतौर पर? बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या करते हो वैसे? टीचिंग। अच्छा, तो टीचिंग करते हो, कुछ नौकरियां वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हुई आसपास, लड़कियों को महिलाओं को नौकरियां मिली? हाँ, बस इतना पता, अपना रिजल्ट पता है, 0.5 से और 0.2 से आउट कर दिए। अच्छा, तो आसपास कुछ रास्ते खुले हो गए इस तरह के? जैसे सरकार के लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत हो गई है, आपको लगता है ऐसा कि सुरक्षा पहले से ज्यादा अच्छी हुई है? सही चल रहा है, आने जाने में सब कोई इस तरह की चीजें? पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम ना पहले थी ना अभी है, बढ़िया चल रहा है। तो कुछ सरकार बताइए 10 साल में कैसी लगी मोदी जी की? बढ़िया। कुछ काम हो याद हो, कुछ काम ऐसा किया हो आपके लिए, कुछ अलग किया हो? जो सबके लिए चल रहा है वही अपने लिए चल रहा है। काम कैसे लगे 10 साल में मोदी जी? देखो जी, ठीक हो ही रहा है, सब काज तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं सरकार पे। ये तो देखो सरकार पे क्या, घर में लगाते हैं भैया। तो आम पब्लिक को कुछ फायदा मिला है पिछले? फायदा भी मिल रहा है, नुकसान भी पहुँचे है कुछ ना कुछ। बताइए थोड़ा सा नुकसान फायदा कैसा है? नहीं बस चले चाचा से। बाबा क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह कोहली। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ भूनी गाँव का। तो ये बागपत सीट पड़ती है लोकसभा, क्या लग रहा है इस बार इस सीट पे सांसद है सत्यपाल मलिक जी, पूर्व जो सांसद है? सत्यपाल मलिक ने पब्लिक वैसे उससे तो नाराज है, कहीं मोदी से ही थोड़ा प्रभावित है, वैसे कमियां हो जाए क्षेत्र में जानी है। और भाई अब की बार जो कांटे की टक्कर चलेगी वैसे लोकदल वालों की, अजीत वालों की, और भाजपा कांटे की टक्कर चलेगी। हाँ हाँ, तो जैसे आप चाय बनाते हो, कब से बना रहे हो ये काम, कब से कर रहे हैं? मेरे 2006 से, तो 2006 से। हाँ, काफ़ी समय हो गया आपको। तो राजनीतिक उथल पुथल तो काफ़ी देखी होगी, बहुत सारे? हाँ बहुत देखी, हमने नेहरू जी का जमाना देखा, अंग्रेज देखे। मोदी जी के काम कुछ लगे 10 सालों में भाई, कुछ जनता की? महंगाई पर तो कंट्रोल है ही नहीं, महंगाई से। हाँ, जो मान लो गरीब आदमी तो प्रभावित ज़्यादा ही हो रहा है। देखो मान लो 500 रुपये कमा हुआ है जी, महंगाई इतनी जा रही है, ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा कीमत है, बाहर जा रही है, तो इससे तो मजदूर आदमी थोड़ा वो है इससे। तो आम आदमी महंगाई से त्रस्त हुआ है? त्रस्त हुआ है आम आदमी, जो महंगाई से त्रस्त हो रहा है। इसका असर पड़ेगा चुनाव पर जनता? देखो अब क्या होता है, कहने में सुनने में चाय की दुकान पे ऐसे आ रहा। अच्छा। तो जैसे महंगाई आप कह रहे भाई चाय बना रहे, दूध पे भी GST है, कई चीजों पे GST है। GST है, छोटा दुकानदार तो बिल्कुल तबाही है, 2 किलो चून का पूरा नहीं पड़ता। लेकिन इनके लोग तो चिल्ला के कहते हैं कि हम
बहुत सारी चीजें हमने ये फ्री कर दी है, योजना दे दी, ये तो कर दिए, ये तो बिजनेसमैनों के लिए कर दिए, ये पुल बना दिए, हमारे को ट्रक चल रहे हैं, हमारे तो मजदूरी करना। तो इस बार इस सीट पे क्या लग रहा है, जैसे आप कह रहे थे लोक दल और कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ जाट बेल्ट है, हाँ बहुत ज्यादा, तो कांटे की टक्कर है, जीत होगी वही 25-30 में ही, कोई सी हो जाओ कांटे की टक्कर है। वैसे हम लोग जिला मेरठ में थे और ये बागपत की लोकसभा सीट है, जहाँ पर ये भुनी चौराया के नाम से यहाँ जाना जाता है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों की अलग अलग राय है लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।